हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं और वो है ग्लोबल इंडाइसेस। दोस्तों, मुझे अक्सर पूछा जाता है ट्रेडिंग करते वक्त कौन सी ग्लोबल इंडाइसेस को फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो उसके लिए आपको अलग इंडाइसेस देखनी होगी, अगर आप फिर इंट्राडे करते हो उसके लिए आपको अलग इंडेक्सेस देखनी होती है, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फिर अलग इंडेक्सेस को फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करेंगे और कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में कौन सी इंडेक्स को फॉलो करना है और क्यों करना है उसके बारे में बात करेंगे, और अंत में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंडेक्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं, मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कौन सी ग्लोबल इंडाइसेस जो है कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है या कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे के बारे में बात करूंगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आपको ये सारी जो इंडाइसेस है, यूएस इंडाइसेस है, यूरोपियन का जो इंडाइसेस है, इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एशियन मार्केट देखने से ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि एशिया का जो मार्केट है वो हम लोग से बहुत पहले खुल जाती है, वो लगभग सुबह 7 बजे खुल जाती है। तो एशियन मार्केट में आपको सबसे पहले ये SGX निफ्टी को देखना होता है। ये SGX निफ्टी जो है, इसको सिर्फ मार्केट ओपन होने से पहले ही देखना है। इससे हमें मालूम पड़ता है हम लोग का जो निफ्टी है वो कितना ऊपर या कितना नीचे ओपन हो सकती है। तो उसके बाद तो ये निफ्टी के तरह ही बिहेव करने लगता है, क्योंकि ये निफ्टी का ही डेरिवेटिव है जो कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इंडेक्सेस है वो है आपका हैंगसेंग, ये चाइना का इंडेक्स है। इसको हम लोग का निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आप चार्ट देखोगे और निफ्टी का चार्ट देखोगे, वो बहुत मिलता जुलता है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा निफ्टी का जो बिहेवियर है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसका एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये हैंगसेंग का इंट्राडे चार्ट है, ये सुबह कितना 7 बजे खुला और अभी तक ट्रेड कर रहा है। आज तो इंडिया का मार्केट फिलहाल बंद है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये काइंड ऑफ वी बॉटम बनाया है कि नहीं। तो सुबह मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन हुआ था, और यहाँ से ये नीचे आने लगा, और यहाँ से फिर ये रिवर्स किया। तो हम लोग का जो मार्केट होगा वो बिल्कुल इस तरीके का बिहेव करने का चांसेस जो है वो मैक्सिमम होता है। तो इससे हमें अंदाज पड़ता है कि निफ्टी का बिहेवियर जो है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। तो अभी फिर हम लोग देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी ग्लोबल इंडेक्सेस को फॉलो करनी है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत सारा इंडेक्स को देखना होगा, जैसे यूएस मार्केट भी देखना होगा, यूरोपियन मार्केट भी देखना होगा, साथ साथ आपको एशियन मार्केट भी फॉलो करना होगा। और यहाँ से तो यूएस में भी बहुत सारा इंडेक्स है, जैसे डाउजोन्स है, नेस्डेक है, S&P है, और यूरोप में FTSE, कैक, डैक्स, ऐसे बहुत सारा इंडेक्सेस है। तो हम फिर कौन से इंडेक्स को फॉलो करें, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या आप पर्सनल ओपिनियन बोल सकते हो। अगर आप US में देखते हो, आप इधर NASDAQ को फॉलो करो, नहीं तो S&P 500 को। इसका जो बिहेवियर होता है वो निफ्टी की तरह बहुत मिलता जुलता है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। और यूरोपियन मार्केट में आपको सिर्फ FTSE देखना होता है। जो FTSE है ये लंदन का एक्सचेंज है, तो इसको देखने से ही हो जाता है। ये सब जो है कैग और डैक्स, ये आपका फ्रेंच का है और ये जर्मनी का है, तो ये सब नहीं देखने से भी मालूम पड़ता है। सिर्फ आप FTSE को फॉलो करना, और एशियन मार्केट में तो पहले भी बताया कि हैंगसेंग को फॉलो करना है।
ये इंटरडे में भी फॉलो करना है और आपको स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी आपको फॉलो करना है। तो इसका एक बार मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ, इसका बिहेवियर कैसे मिलता जुलता है हम लोग का इंडियन मार्केट के साथ। तो उसके लिए मैं आपको निफ्टी का ये लाइन चार्ट दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का लाइन चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं एक इंडेक्स लाऊंगा आपका, यूएस का जो इंडेक्स है पहले उसको लाता हूँ, नेस्डेक, नेस्डेक 100 जो है उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि निफ्टी, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, लाइन चार्ट, ये निफ्टी का है, और ये जो सियान कलर का है ये एनएसडेक का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कुछ दिन पहले लो बनाया 1 फरवरी में, तो इंडिया ने भी लो बनाया और नेस्डेक ने भी लो बनाया। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये नेस्डेक 3 अक्टूबर को लो बनाया और यहाँ पर 7 अक्टूबर को। तो ये बहुत ही मिलता जुलता है लगभग, है कि नहीं? तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यूएस का जो मार्केट है वो नेस्डेक या एस एन पी और नेस्डेक लगभग सिमिलर टाइप का बिहेवियर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक यूरोपियन मार्केट का इंडेक्स, और यूरोपियन में मैंने कौन सा इंडेक्स बोला, वो है FTSE। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और हम लोग कंपेयर करेंगे FTSE 100। तो यहाँ पर भी आप देखो FTSE और निफ्टी का बिहेवियर सेम है। ये भी यहाँ पर लो बनाया 1 फरवरी को, और ये लो और इसका लो लगभग सेम है, ये लो सेम है, हाई भी सेम है, और यहाँ पर भी आपको सेम मिल रहा है। तो ये बहुत ही मिलता जुलता है। ये जो निफ्टी है ये FTSE को रेप्लिकेट करता है। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है, ठीक है? तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आप यूएस मार्केट में नेस्डेक या एसएनपी को देखो, आप कोई भी एक इंडेक्स ले सकते हो। सपोज नेस्डेक, नेस्डेक लिया, और यूरोपियन मार्केट में आपको FTSE को देखना होगा। इससे आपको अंदाज मिल जाएगा कि मार्केट अभी बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा, ठीक है? और एशियन मार्केट के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका, और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फॉलो करना है, एक इंटरेस्टिंग इंडेक्स। और वो है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। जी दोस्तों, ये MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जिसका फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली MSCI। सी आई स्टैंड फॉर कैपिटल इंटरनेशनल। ये एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। इसको क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ये जो एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, ये आपका 26 डेवलपिंग कंट्रीज का जो एमर्जिंग सेक्टर्स है वहाँ से स्टॉक पिक करके ये इंडेक्स फॉर्म हुआ है। तो उससे मालूम पड़ता है कि मार्केट ब्रॉडर टाइम फ्रेम में किस डायरेक्शन में जा सकती है। इसीलिए हम लोग को ये इंडेक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अगर इमर्जिंग मार्केट जो है ये किस डायरेक्शन में है। अगर आप ट्रेंड में है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपको मालूम पड़ा कि ये लगभग कहाँ से कहाँ तक है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये नवंबर 19 से अभी तक का डाटा है, ठीक है? आप इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना। एक सेकंड, मैं इसका एक बार टेक्निकल चार्ट खोल लेता हूँ। तो इसके बारे में मैं ये बताने वाला था, यहाँ पर 26 कंट्रीज़ का स्टॉक्स इंक्लूड है इसमें। उसमें आपका जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया या दुबई, तो ये सब जो एमर्जिंग मार्केट है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ से जो अच्छा स्टॉक्स है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो सब स्टॉक्स को चुन के ये इंडेक्स बनाया गया है। और इसको मेंटेन करते हैं मॉर्गन स्टैनली ब्रोकरेज फर्म जो है वो मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से हमें आराम से मालूम पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा हो सकता है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो हम लोग का मार्केट भी अप ट्रेंड में जाने का मैक्सिमम चांसेस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर या 5 ईयर्स का डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए 5 ईयर्स में ये
बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का जो मार्केट है वो भी इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर मालूम पड़ा कि आप ट्रेंड में है, आपको करेक्शन का इंतज़ार करना है, ठीक है। जब मार्केट करेक्शन देगा, जो MSCI जो इंडेक्स है वो करेक्शन देगा, उस टाइम आपको एंट्री करना है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन दिया, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, ये सब करेक्शन पॉइंट्स है, ठीक है। आप तो बॉटम इसको नहीं पकड़ सकते, इधर आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके आपको एंट्री करना है। तो ये देखने से आपको मालूम पड़ता है, एक पिक्चर जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसका पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाती है। तो ये इंडेक्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया और हेल्पफुल रहा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।